राष्ट्रीय सचिव है। मित्रों, हम लोग लगातार पिछले कई सालों से आपके पास अलग अलग घोटालों के लिए, अलग अलग गड़बड़ियों के लिए, चाहे नोएडा में चल रही हो, ग्रेटर नोएडा में चल रही है, यमुना एक्सप्रेस में चल रही है, तीनों अथॉरिटी और घोटालों को लेकर हमने लगातार आपके पास आए हैं, उनके दस्तावेज लेकर, उनकी गड़बड़ियाँ लेकर। और उन पर एक लगातार बड़ा एक्शन हुआ, यादव सिंह की गिरफ्तारी का आपको याद होगा, और एक भारत का ही एक बहुत बड़ा मुहिम था जिसमें हम लोग की गड़बड़ियाँ एक्सपोज करी, उसके बाद हाई कोर्ट गए और उनको फिर जेल जाना पड़ा। ऐसे डीएनटी डीएनटी अगर घोटाला चल रहा था, डीएनटी कोर्ट इसको खुली कराने में हम लोगों ने लगातार बड़ी मेहनत की, चुनाव सुधार पर हम लोग लगातार काम करते हैं, गवर्नेंस के मुद्दों पर काम करते हैं, अल्टरनेटिव पॉलिसीज पर लगातार सरकार के लोगों ने से रहते हैं, पूरे देश में हम लोगों ने इस समय अपने नेटवर्क को फैलाया हुआ है। और आपको याद होगा कि लगभग दो साल पहले हमने राष्ट्रपति जी को 300 पेजों का दस्तावेजों सहित सबूतों के साथ तीनों अथॉरिटी के घोटालों की एक शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर लगभग 6 महीने लगे, लेकिन राष्ट्रपति जी ने यूपी के मुख्यमंत्री को लिखा कि आप इस पर कार्यवाही करें, उन्होंने बात को सूचित करें। इसी के बीच में हमने उस शिकायत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी थी, प्रधानमंत्री जी को भेजी थी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजी थी। और हमारी शिकायत कोर्ट ने लगातार, जब हम सुप्रीम कोर्ट को रिमाइंडर्स भेजे और बहुत सारे सबूत भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने टिप्पणी करी कि नोएडा अथॉरिटी जो है सबसे भ्रष्ट अथॉरिटी है, एक भ्रष्ट निकाय है, आम ना कान और यहाँ तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत जहां न्याय होता है, उसने अगर एक व्यक्ति को चोर कह दिया, उसके बाद उस चोर को आज तक जेल क्यों नहीं हुई, सजा क्यों नहीं हुई, यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। हमने सारे दस्तावेज दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को भी। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों सुनी दी अभी तक सुप्रीम कोर्ट की, ने जब साफ साफ कह दिया कि वो चोर है, तो चोर की सजा क्या होनी चाहिए, चोर को मतलब बैठा रहना चाहिए, वो जेल में होना चाहिए। तो जितनी तीनों अथॉरिटियाँ हैं, हम तो कह रहे हैं नोएडा अथॉरिटी की प्रश्न, तीनों अथॉरिटी के प्रश्न है, पूरी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का देख लीजिए एक्सटेंशन कितनी बदमाशी चल रही है, आज तक एक ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, यमुना एक्सप्रेस पे अथॉरिटी देखिए कई कई सालों वाला अटमेंट के आज तक पोजिशन से नहीं है, यहाँ पर बढ़िया चल रही है, क्यों चल रही है और उनके खिलाफ यूपी सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही। देखिए, मैंने आपको दस्तावेज दिए हैं, ये राष्ट्रपति जी का पत्र है, इस पत्र के बिहार पर 1.5 साल हो गया, इस पत्र को लगभग आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, राष्ट्रपति जी करें जांच करें, मौलिक भारत को सूचित करें, कोई मतलब। इसके बाद ये पूरा राष्ट्रपति जी को हमने पत्र दिया था, वो है जो मेमोरेंडम हमने नामर पाली को लेकर दिया, वो सारा का सारा राष्ट्रपति दिया था, लगभग इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन पॉइंट्स के आधार पर। लेकिन आज तक अपने वादों के बाद भी तीनों अथॉरिटियों ने ये कहा था कि हम बिल्डर्स को ऋण मुहैया कराएंगे, मंत्री जी ने कहा, महाराणा जी ने, जो औद्योगिक व्यवस्थापना मंत्री हैं, हम इनको ऋण मुहैया कराएंगे, आज तक ऋण मुहैया नहीं कराया गया, सैकड़ों प्रोजेक्ट आज भी अधर भटके हुए हैं, लाखों निवेशक आज ही भटक रहे हैं, आप रोज हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्डर की जो गड़बड़ियां है, जो कॉन्स्पिरेसीज है, उनके खिलाफ निवेशकों के धरने प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, आप गवाह इसके कई सालों से आप लोग लगातार देख रहे हैं, इसका काम क्यों नहीं हो रहा। हमारा ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन ने लिखा है इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी की जाए, मानी बड़ा सूचित किया जाए, वो मेरे कागज आ रहा, कुछ नहीं हुआ उस पर। यूपी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, अनिल गर्ग को लेटर लिखा है कि भाई इस पर इन्होंने बताया है गड़बड़ी हुई है, कार्यवाही की जाए, उस पर कोई कार्यवाही नहीं। अब स्टार ड्यूटी इतना बड़ा स्कैम है, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे पे FIR को दुगुना तिगुना चौगुना करके बढ़ा दिया गया, सुनी नहीं गई, साहब आपस में मिली होगा तो कोई, पिछले 20 सालों में हजारों करोड़ रुपए का चूना तीनों अथॉरिटियों ने लगाया है सरकार को, वो स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं वसूली जाए। हमारी मांग है एक अलग इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, चाहे वो CAG के उससे बनाया जाए, या एक अलग से यूपी सरकार बनाए, या हाई कोर्ट निगरानी बनाए, या सुप्रीम कोर्ट निगरानी बनाए, मगर एक कमीशन बने जो सारे FIR की री एवोल्यूशन करे, जितने भी अलॉटमेंट हुए हैं कॉमर्शियल या जितने भी हाउसिंग स्ट्रेटेजी, उनके FIR जो मास्टर प्लान में जो अप्रूव
डिफेंसेस को कैलकुलेट करके उनका जो स्टैंड चाहिए वो वसूली जानी चाहिए। और ये हजारों करोड़ रुपए घोटाला है, पिछले 20 सालों में देखेंगे कोई ऐसा एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसमें स्टैंड की चोरी ना हुई। अब अनयूजुअल बात है कि आप दिल्ली का दौरा देखिए, दिल्ली की आबादी 2-2.5 करोड़ के बीच में है और पूरे दिल्ली की एक ऑपरेटिव है दिल्ली डेवलपमेंट ऑपरेटिव, और एक नोएडा प्रदेश, नोएडा एक जिला है जिसकी आबादी कुछ 20-25 लाख है, पूरे गौतम 40 लाख आबादी है आबादी, और तीन ऑपरेटिव बना रखी है आपको जबकि इनिशियली एक ऑपरेटिव। ऐसा क्या कारण है कि तीन तीन ऑपरेटिव बनाई गई क्या कारण हो सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप
उनको मोरली डाउन
किया है, उससे हम लोग बातचीत करने जाए तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी आपको एक बार बताइए, आप कह रहे हो प्रश्न के उनके पास भी सबूत होंगे ना, जैसे प्रश्न का देख चुकी है उसके बाद बनाए ना व्यक्ति बताओ। आपने कहा प्राधिकरण में एक व्यक्ति को, आपने ये कहा ना एक व्यक्ति को दोषी कह सकते हैं, प्राधिकरण को दोषी नहीं कह सकते। प्राधिकरण में पहला व्यक्ति कौन है जो दोषी होता है बताइए आप मेरे बात का जवाब दीजिए। जब प्राधिकरण के ऊपर एलिगेशन लगता है तो केवल सीओ होता है और सीओ के अंदर जितना तंत्र काम कर रहा है वो सारा तंत्र होता है। आप ये क्यों नहीं कहते हमारे झंडा अथॉरिटी का या किसी प्राधिकरण का जो बोर्ड है वो भ्रष्ट है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। पत्रकारों को मिला नहीं मिला कुछ,
क्या उसी का आप जांच करा लीजिए ना, बड़ी बड़ी आपको देखिए भयंकर खतरनाक होने वाला है, चाहे वो
सुविधा का हो, चाहे ई गवर्नेंस का हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम का हो, मैं आपको इजाजत दूंगा दोस्तों। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा उन्होंने बताया कि है, मैंने कहा भाई तो मौलिक प्रश्न, मौलिक एनालिसिस और मौलिक उत्तर जो हर एक को ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन सा गवर्नेंस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिखने के बाद, अगर राष्ट्रपति के लिखने के बाद अगर वाकई कुछ नहीं हुआ है तो इससे ज्यादा शर्म की बात आप करेगा। तो मैं कहूंगा सिविल सोसाइटी को जिलाना पड़ेगा और जागना पड़ेगा और ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सरकार चलना। मैं खुद रहा हूँ, मैं हरदम अपने दरवाजे पर रहा हूँ कि जागो जागो, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से केवल पंचायत से नहीं होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरे गायक कोई इशू हो जिसमें मेरे से थोड़ा धक्का दिया जा सकता और लोगों की भागीदारी जब तक नहीं होगी, और ये कीमती जो बोल रहे हैं बाकी कुछ भी बड़ा आश्चर्य है, सारी दुनिया में खर्चे कम चल रहा है, यहाँ कीमती नगर चल रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता है। प्रश्न है जागिए और लोगों की भागीदारी, हमारा समय पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन आपका क्या रहेगा जो अगर कोई पार्टी ये कहती है कि भैया अगर हमारी सत्ता बनती है और हम अथॉरिटी पे का अभियान चलाएंगे या कार्रवाई करेंगे, क्या आप उसको समर्थन देंगे? मांग उसके ये सीईओ वगैरह जितने भी हैं ये तो वापस
साइड पे जाते हैं डॉक्टर साहब हैं, इनको बताए की पब्लिक यहाँ की सुविधा है, पब्लिक जैसे आप किसी सेक्टर में रहते हैं आपको जैसे प्लॉटिंग है उस हिसाब से सेक्टर में आपको डिजिटलाइज हो गया डाटा, आप जाके कहीं से पूछे आपके सेक्टर में कितनी किलोमीटर नाली है, कितना किलोमीटर नाली है, उसका डेटा दिया जाता है, सबने जो नालियाँ गेरी सफाई में होती है सारा पैसा दिया जाता है। तो आप साहब एक सबसे बड़ा प्रयास ये है, आप उतना यह कहती है कि ये समाज सेवक जितने भी हैं राजनीति मतलब है सोल्यूशन लाना जिससे हम सब मॉडल रहते हैं, हम सबको एक वैल्यू। अब हम एक चीज को देखें जो हमने राष्ट्रपति महोदय को भी कहा, उन्होंने भी एक सरकारी एप्लीकेशन पर दिया इस पर कार्रवाई नहीं, वो इसलिए नहीं हुई कि सोल्यूशन का है नहीं, हम आपके माध्यम से हर चीज का एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं जी। एक ही बात यह है आपकी हमें जरूरत सोल्यूशन उनके कानों तक पहुँचाना है, हमें उनको कोई दोषी ठहरा के कोई अभद्र भाषा यूज नहीं करना, उनके पास सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास हमारी लड़ाई उनको सोल्यूशन दे नहीं है, वो
आप सब कह रहे हैं।